मैंने आपको लास्ट क्लास में व्हाट इज कैलिपर, कैलिपर क्या है इसके बारे में बताया, उसके बाद साइज ऑफ कैलिपर, कैलिपर का क्या साइज होता है उसके बारे में बताया, और उसके बाद मैंने आपको टाइप्स ऑफ कैलिपर अकॉर्डिंग टू ज्वाइंट, यानी कि कैलिपर कितने प्रकार के होते हैं उसके संयुक्त के अनुसार, उसके जोड़ने के अनुसार, वो मैंने आपको बता दिया था। कैलिपर क्या था, कैलिपर मैं वो रिकॉल करवा देती हूँ, कैलिपर क्या था, कैलिपर एक हमारा इनडायरेक्ट मेजरिंग टूल था। क्या था, टूल था जिसकी मदद से हम किसी भी ऑब्जेक्ट की या जॉब की मेजरमेंट करते थे, और ये क्या है, एक इनडायरेक्ट मेजरिंग टूल है, इसलिए इसको मेजर, इस कैलिपर को मेजरमेंट करते समय हमें स्टील रूल की आवश्यकता होती है मेजरमेंट की रीडिंग करने के लिए, यानी जो हमारी जो आती है माप आती है उसको देखने के लिए हमें स्टील रूल की आवश्यकता होती है। कैलिपर क्या है, वो माइल्ड स्टील की बनती है, हाई कार्बन स्टील की बनती है, मैंने आपको बताया था। ठीक है, आज हम जानेंगे टाइप्स ऑफ कैलिपर के बारे में कि कैलिपर कितने प्रकार के होते हैं। कल मैंने आपको लास्ट क्लास में कैलिपर के प्रकार के बारे में बताया, यानी कि अकॉर्डिंग टू ज्वाइंट, कि ज्वाइंट के अनुसार कैलिपर कितने प्रकार के होते हैं। मैंने आपको टू टाइप कैलिपर के बारे में बताया था, फर्म ज्वाइंट कैलिपर और स्प्रिंग ज्वाइंट कैलिपर, इन दोनों के बारे में बता दिया था। आज हम पढ़ेंगे टाइप्स ऑफ कैलिपर के बारे में कि कैलिपर कितने प्रकार के होते हैं। ठीक है, तो क्या है हमारा आउटसाइड कैलिपर, इनसाइड कैलिपर और लेग कैलिपर। मैंने इन दोनों फिगर को ड्रॉ किया है आसानी से समझने के लिए। ठीक है, तो पहले बात करते हैं आउटसाइड कैलिपर के बारे में। आउटसाइड कैलिपर कौन सा है हमारा, ये हमारा है आउटसाइड कैलिपर। लेकिन ध्यान दीजिएगा, ये जो हमारा आउटसाइड कैलिपर है ये हमारा क्या है, फर्म ज्वाइंट कैलिपर है। यानी कि कैलिपर के जो कैलिपर के जो प्रकार होते हैं अकॉर्डिंग टू ज्वाइंट, वो दो टाइप के होते हैं, फर्म ज्वाइंट कैलिपर एंड स्प्रिंग ज्वाइंट कैलिपर। लेकिन यहाँ जो मैंने आउटसाइड कैलिपर बताया है, लेकिन ये फर्म ज्वाइंट पे है, तो समझिए आउटसाइड कैलिपर क्या है, वैसा कैलिपर जिससे कि किसी भी ऑब्जेक्ट की या किसी जॉब की बाहरी माप ले सके। आप यहां देख सकते हैं ये हमारा क्या है, जॉब है। ठीक है, ये क्या है हमारा, जॉब है। ठीक है, जॉब क्या है, हमें बाहरी माप ले रही है, क्या ले, बाहरी माप ले रही है, इसे बाहरी सरफेस है, इसे क्या है, आउटसाइड सरफेस है। तो आउटसाइड कैलिपर क्या है, जिससे किसी ऑब्जेक्ट की बाहरी माप ले सके, इससे किसी किसी भी जॉब की लेंथ को ले सकते हैं, विड्थ को ले सकते हैं, या फिर थिकनेस को मेजरमेंट कर सकते हैं आउटसाइड कैलिपर के द्वारा। आउटसाइड कैलिपर क्या है, एक ऐसा मेजरिंग टूल है जिससे किसी ऑब्जेक्ट की, किसी जॉब की आउटसाइड सरफेस को, यानी आउटसाइड बाहरी मापन कर सके। क्या है, बाहरी मापन कर सके। आप यहां देख सकते हैं आउटसाइड कैलिपर है, लेकिन किस टाइप का है, ये हमारा फर्म ज्वाइंट है, ये हमारा स्प्रिंग ज्वाइंट नहीं है। देखिए जितने भी कैलिपर होंगे वो दोनों टाइप के होते हैं, जैसे कि यहाँ आउटसाइड कैलिपर मैंने आपको फर्म ज्वाइंट में दिखाया है। ठीक है, लेकिन क्या आउटसाइड कैलिपर स्प्रिंग ज्वाइंट में मिलते हैं, आउटसाइड कैलिपर क्या है, स्प्रिंग के जो स्प्रिंग ज्वाइंट में मिलते हैं, फर्म ज्वाइंट के मिलते हैं, लेकिन मैंने आपको फर्म ज्वाइंट को ड्रॉ किया है। ध्यान दीजिए ये हमारा फर्म ज्वाइंट है, फर्म ज्वाइंट है, फर्म ज्वाइंट क्या था, जिसकी दोनों लेग रिवेट के द्वारा जुड़ी होती है, यहाँ पे रिवेटिंग की गई है, क्या ये रिवेटिंग की गई है। ठीक है, और स्प्रिंग ज्वाइंट में क्या था, स्प्रिंग ज्वाइंट में हमारा नट और स्क्रू के द्वारा वो इसकी लेग खुलती थी और बंद होती थी, और फर्म ज्वाइंट में क्या, हाथ से इसे खोल सकते हैं, बंद कर सकते हैं। ठीक है, तो क्या है हमारा फर्म ज्वाइंट कैलिपर है, ध्यान दीजिएगा आप उसके जो उसका जो ड्रू है, जो फिगर से उसको याद रखिएगा। ठीक है, कि फर्म ज्वाइंट कौन सा होता है और स्प्रिंग ज्वाइंट कौन सा होता है। तो ये जो हमारा आउटसाइड कैलिपर है, एक हमारा फर्म ज्वाइंट कैलिपर है। ठीक है, क्या है, फर्म ज्वाइंट कैलिपर मैंने ड्रू किया है, स्प्रिंग ज्वाइंट कैलिपर भी होते हैं आउटसाइड कैलिपर। कैलिपर के जितने प्रकार होंगे सारे वो फर्म ज्वाइंट में मिलेंगे और स्प्रिंग ज्वाइंट में मिलेंगे। तो ये जो आउटसाइड कैलिपर है, ये किसी भी ऑब्जेक्ट की, किसी भी जॉब की बाहरी मापन करता है, क्या करता है, बाहरी मापन, आउटसाइड सरफेस को ये मापता है। ठीक है, इससे किसी भी जॉब की लेंथ को माप सकते हैं, लंबाई को माप सकते हैं, उसकी थिकनेस को माप सकते हैं और उसकी चौड़ाई को माप सकते हैं। ठीक है, क्या है ये हमारा आउटसाइड कैलिपर है, क्या है, आउटसाइड कैलिपर, ध्यान दीजिएगा। दूसरा क्या है हमारा, इनसाइड कैलिपर, क्या है हमारा, इनसाइड कैलिपर, ये क्या है हमारा, इनसाइड कैलिपर है। इनसाइड कैलिपर मतलब क्या है, आंतरिक कैलिपर, इसको हिंदी में
क्या होता है? आंतरिक कैलिपर। आंतरिक कैलिपर क्या है? आप यहां देख सकते हैं, ये हमारा क्या है? आंतरिक कैलिपर है, इन साइड कैलिपर है। ये क्या करता है? किसी भी ऑब्जेक्ट की, किसी भी जॉब की बीच की चौड़ाई, ये क्या है? चौड़ाई है, चौड़ाई है ना, बीच की चौड़ाई या फिर उस ऑब्जेक्ट की गैप को, ये गैप भी है चौड़ाई भी है। तो आंतरिक कैलिपर क्या करती है? चौड़ाई का मापन करती है या किसी ऑब्जेक्ट की गेप, गेप होता है ना, गेप, ये क्या है हमारा? गेप है, क्या है? गेप है। तो गेप का भी मापन करती है। ये हमारा मान लो हमारा जॉब है और भी हमारा ऑब्जेक्ट है। मान लीजिए आप, मैंने ड्रॉ कर दिया समझने के लिए आसानी से, ये मान लो हमारा कि ऑब्जेक्ट है, ठीक है, ये ऑब्जेक्ट है। इनसाइड कैलिपर से क्या कर रहे हैं? बीच के गैप का मापन कर रहे हैं, बीच में जितनी भी गैप है उसका मापन कर रहे हैं, ठीक है। इसकी दोनों लेग होती है, इसका जो दोनों लेग होता है, ये क्या है? इसका लेग क्या है? लेग। ये दोनों लेग जो होती है ये 45 डिग्री में मुड़ी होती है। कितनी में? 45 डिग्री में। कितनी मुड़ी होती है? 45 डिग्री में मुड़ी होती है। जो हमारा इनसाइड कैलिपर है, इनकी जो दोनों लेग है वो क्या होती है? 45 डिग्री के एंगल पर मुड़ी होती है। ये क्या है? 90 डिग्री है, ये क्या होती है? 45 डिग्री में, ये 45 डिग्री में मुड़ी होती है, ठीक है। इससे किसका मापन करते हैं? किसी भी ऑब्जेक्ट की चौड़ाई को या फिर उसके बीच की गैप का मापन इससे किया जाता है। ये क्या हमारा? इन साइड कैलिपर है। क्या हमारा? इन साइड कैलिपर है। क्या हमारा आउटसाइड कैलिपर? जो बाहरी मापन करता हूं, जैसे कि ये आउटसाइड कैलिपर है, इनसाइड कैलिपर यानी कि जो आंतरिक मापन करता हो, क्या करता हो? आंतरिक मापन करता हो, उसे इनसाइड कैलिपर यानी कि आंतरिक कैलिपर कहते हैं। इसे क्या कहते हैं? इसको बाहरी कैलिपर कहते हैं। क्या कहते हैं? बाहरी कैलिपर। अब बात करते हैं अगले कैलिपर के बारे में, जो कि हमारा है ओल्ड लेग कैलिपर। जो हमारा ओल्ड लेग कैलिपर जो है, इसके डिफरेंट डिफरेंट नेम है, ठीक है। इसको ओल्ड लेग कैलिपर भी कहा जाता है, जैनिक कैलिपर भी कहा जाता है, हार्मोफ्रोडाइटिक कैलिपर भी कहा जाता है, लेग एंड पॉइंट कैलिपर भी कहा जाता है। इसके डिफरेंट डिफरेंट नेम है। इसके ये मैंने एक नाम को लिखा है और इसके चार नाम और है, ठीक है। क्या है? जैनिक कैलिपर, लिख लीजिएगा, जैनिक कैलिपर, जैनिक कैलिपर, हार्मोफ्रोडाइट कैलिपर, ओल्ड लेग कैलिपर जो कि मैंने यहाँ लिखा है, और लेग एंड पॉइंट कैलिपर। इसके क्या है? तीन और नेम होते हैं, तीन और नाम होते हैं। जो हमारा ओल्ड लेग कैलिपर है, ये हमारा ओल्ड लेग कैलिपर। क्या है हमारा? ओल्ड लेग कैलिपर। इसकी जो लेग होती है, इसका जो लेग है, ये क्या है हमारा? इस कैलिपर का लेग है, ठीक है। ये जो कैलिपर होता है इसको ओल्ड लेग कैलिपर कहते हैं। इसकी जो एक टांग होती है, एक जो सब पैर होता है वो सीधा होता है, स्ट्रेट होता है, लेकिन इसकी जो दूसरी टांग होती है, इसका जो दूसरा पैर होता है वो 45 डिग्री में मुड़ी होती है। यानी कि इसमें क्या था? इसमें दोनों 45 डिग्री के एंगल में मुड़ा हुआ था। इसमें क्या है? इसका एंगल नहीं दिया गया है, लेकिन इसमें क्या है कि इसमें तो एक टांग हमारी स्ट्रेट सीधी है, लेकिन दूसरी टांग जो है, ये हमारा टांग है, ये जो सब पैर है, ये 45 डिग्री के एंगल पर मुड़ा होता है। क्या है? 45 डिग्री के एंगल पर ये हमारा मुड़ा होता है, ये पैर, ठीक है, 45 डिग्री एंगल पर मुड़ा होता है। इसका इस्तेमाल कहां करते हैं? इसका इस्तेमाल किसी भी सिलेंड्रिकल ऑब्जेक्ट की सेंट्रल लाइन को सेलेक्ट करने के लिए। इसका इस्तेमाल कहां करते हैं? पहले ध्यान दीजिएगा, पहले से इस्तेमाल कहां करते हैं? पैरेलल लाइन यानी कि समानांतर रेखा खींचने के लिए इसका इस्तेमाल किया जाता है। और साथ ही साथ इसका इस्तेमाल किसी भी सिलेंड्रिकल ऑब्जेक्ट की, मान लीजिए ये कोई हमारा एक सिलेंड्रिकल ऑब्जेक्ट है, ठीक है, सिलेंड्रिकल सरफेस है, इसके बीच की मुझे सेंटर पॉइंट निकालनी हो। अब जहां से सेंटर पॉइंट क्या होता है पता है, क्या है हमारा व्यू है, ये हमारा सेंटर पॉइंट है। तो ये कोई हमारा सिलेंड्रिकल सरफेस है, इसकी मुझे सेंटर पॉइंट निकालनी हो, तो क्या है, इससे इसके ओल्ड लेग कैलिपर की मदद से हम इसका सेंटर पॉइंट सिलेक्ट कर सकते हैं, यानी कि निश्चित मतलब सिलेक्ट कर सकते हैं, ठीक है। क्या करते हैं? इस ओल्ड लेग कैलिपर का इस्तेमाल हम करते हैं पैरेलल लाइन ड्रॉ करने में और किसी भी सिलेंड्रिकल ऑब्जेक्ट की, सिलेंड्रिकल ऑब्जेक्ट है, इसकी सेंटर को सिलेक्ट करने में, सेंटर केंद्र बिंदु को सिलेक्ट करने में इसका इस्तेमाल किया जाता है। तो ओल्ड लेग कैलिपर क्या है? एक हमारा
क्या होता है मैंने बता दिया था, पैनल एंड ड्रॉ करने में, खींचने में और किसी भी गोलाकार ऑब्जेक्ट की गोलाकार सतह की केंद्र बिंदु यानी कि सेंटर पॉइंट सिलेक्ट करने में इसका यूज किया जाता है। इसके डिफरेंट डिफरेंट नेम होते हैं। इसका नाम क्या है? जैनी कैलिपर। इसका एक और एक नाम है हॉर्न ऑफ ओडराइट कैलिपर, इसका एक नाम है, और लेग एंड पॉइंट कैलिपर इसी का नाम है। इसलिए आप नाम की वजह से कंफ्यूज मत होइए कि कौन सा कैलिपर है, ठीक है। तो क्या है हमारा आउटसाइड कैलिपर, मतलब जो कि बाहरी मापन करता है, क्या करता है? ज्ञात बाहरी मापन करता है कि बाहरी कैलिपर इजी है, आसानी से ज्ञात हो जाएगा। आंतरिक कैलिपर, इनसाइड कैलिपर जो कि आंतरिक मापन करता हो, मैंने दिखा दी कि आंतरिक मापन किसी गेप को या किसी चौड़ाई को मापता हो। और लेग कैलिपर जो कि पैरेलल एंड ड्रॉ करता हो या फिर सिलेंड्रिकल ऑब्जेक्ट की सेंटर पॉइंट को सिलेक्ट करता हो। तो क्या तीन टाइप के कैलिपर होते हैं? टाइप के कैलिपर, ठीक है, मैंने तीन टाइप कैलिपर के बारे में बता दिया है। अगले क्लास में और इंस्ट्रूमेंट जो है बाकी उसके बारे में जानेंगे। और जो अपना मेजरमेंट एंड मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट जो हमारा टॉपिक है, जो हमारा चैप्टर है, ये जल्दी खत्म करेंगे, ठीक है फ्रेंड। तो फ्रेंड आज के लिए बस इतना ही, थैंक यू।